अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए लाया हूँ हाउ टू क्रिएट एनिमेटेड कार्टून वीडियोस इजीली। हर बंदा परेशान होता है कि यार एनिमेटेड कार्टून वीडियो कैसे बनाऊँ जो कॉपीराइट ना है, यूट्यूब पे हम डाउनलोड अपलोड करें तो ये प्रॉब्लम आ जाए कि हल हो गई। समझिए, बिल्कुल हल हो गई। आप जैसा चाहें क्रिएट कर सकते हैं एनिमेटेड कार्टून वीडियो, जैसी भी चाहें। सो लेट्स गो टू द प्ले स्टोर। सो फ्रेंड्स, ये हम आ गए प्ले स्टोर पे। सबसे पहले हमें सर्च में जाना है। सर्च में जाके हमें लिखना है PLOTAGON प्लोटागोन स्टोरी। ये आगे देख सकते हैं आप, सर्च में ही आ गया प्लोटागोन लिखा हमने, आ गया प्लोटागोन स्टोरी। इसको हमें क्लिक करना है। ये मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है दोस्तों, इसलिए हमें डाउनलोड नहीं करना है। यहाँ से आप इजीली ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। प्लोटागोन स्टोरी स्पेलिंग आप देख लें, आप सर्च में डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। ये हम ओपन करते हैं इस ऐप को। ये ओपन हो रही है। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, ये बहुत ही बेहतरीन ऐप है। ये आगे ये मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखी हुई आप लोगों के लिए, लेकिन ये पहले मैं आपको ये समझाने के लिए हम जाते हैं क्रिएट वीडियो पे। ये आप देख सकते हैं ये एक लेआउट खुल गया। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड चूज़ करना होता है कि हमें किस सीन में जो है कार्टून वीडियो क्रिएट करनी है। जैसे ये कैफ़े की अभी बैकग्राउंड आ रहा है, रेस्टोरेंट का सॉरी। अब ये जो हम रेस्टोरेंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये बैकग्राउंड्स आ गए। ये बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, ये अभी नेट की इशू की वजह से शो नहीं हो रहे। वैसे इससे ज़्यादा होते हैं, ये अभी खुल नहीं रहे। चलें फिर भी मैं अभी आपको समझाने के लिए, जैसे रेस्टोरेंट पे क्लिक करते हैं, ये रेस्टोरेंट आ गया। अब यहाँ पे जैसे हम सब, फिर हमें सेकंड नंबर पे करना है कैरेक्टर क्रिएट। ये जैसे मैंने पहले से क्रिएट किए हुए कैरेक्टर, लेकिन आपको समझाना है इसलिए सबसे पहले ही हम, सबसे आसान तरीका आपको कोई क्रिएटर करेक्टर जो है सेलेक्ट करने से अच्छा है, सबसे आसान तरीका आप खुद क्रिएट करें करेक्टर। जैसा भी चाहें आप, वो आप क्रिएट कर सकते हैं जैसा भी चाहें। ये हम आ गए क्रिएट करेक्टर में। ये अभी लड़की का आ रहा है, ये मेल फीमेल का पूछ रहा है, हम करते हैं मेल। ये आ गया मेल। अब हम सबसे पहले जाते हैं इसके फेस पे। ये आ गया इसका फेस। ये ऑप्शन खुलने में थोड़ा मसला कर रहा है। ये फेस आ गया। अब आपको जैसा इस लड़के का कैरेक्टर का फेस करना है, जैसे ये हमने चेंज कर दिया, हमने कलर आप चेंज कर सकते हैं, गोरा कर दें, काला कर दें, ब्लू कर दें, येलो कर दें, ग्रीन कर दें, रेड कर दें, जैसा आपको कैरेक्टर बनाना है। ये हमने इसको ब्लू कर दिया। अब आ गए हम इसके हेयर्स पे। ये हमने, ये बहुत सारे हेयर्स हैं लड़की लड़कों के। अभी ये नेट के, नेट मेरा स्लो है, इस वजह से ये शो नहीं हो रहे हैं। अभी ये बहुत सारे हैं ऐसे। बहरहाल ये हमने, चलो ये सेलेक्ट कर लिया। ये आ गया कलर। अब हमें इसका कलर चेंज सेलेक्ट करना है, जैसा भी हम चाहें रख सकते हैं। ब्लू ही कर देते हैं, ब्लू मैच रही हमने कर दिया ग्रीन। अब आ गए हम इसकी मूंछों पे। ये आ गई मूंछें, मूंछें भी नहीं खुली अभी तक, ये चार शो हो रही हैं। वैसे ये सारे ऑप्शन, ये थोड़ा नेट के इशू की वजह से शो नहीं हो रहे, बाकी तो ये बहुत सारे हैं ऑप्शन हैं। ये हम इसकी मूंछें रखते हैं। अब यहाँ का कलर का बोल रहा हम ग्रीन कलर ही कर देते हैं, इसलिए सेम हो गया ना। अब आ गए हम इसकी आईज पे, आईब्रो पे, लिप्स पे। ये हम इसकी आईज कर देते हैं रेड। ये इसकी आईज रेड हो गई। ये हम इसकी आईब्रो बनाते हैं, जैसे ये हमने ब्लैक कर दी। वैसे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हैं हर किस्म की आईब्रो हैं, हर किस्म की आईज, इतनी कलर हैं। ये हमने कर दिया ये। अब ये होट लिप्स आ गए। लिप्स का आप जैसा चाहे कलर करें, हमने रेड कर दिया जैसे।
अब आप आ गए, जैसे आपको इसको ग्लासेस बनाने हैं, कोई टोपी बनानी है, कोई मार्क्स बनाना है, वो आपको इस ऑप्शन में मिलेगा। यार ये अभी कुछ भी नहीं आया, सिर्फ ग्लासेस हैं। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्क्स हैं, उसके फनी मार्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये हम इसको पहना देते हैं, ये वाला चश्मा। अब आ गए हम इसके कपड़ों पे, ये जैसे ये अभी शो हो रहे हैं, कपड़े भी पूरे शो नहीं हो रहे हैं। हम इसको पहना देते हैं ये वाला। अब ये हमने कलर चेंज कर दिया जैसा चाहे, ये कलर से ये चलिए। ये आ गए हम इसकी पैंट पे, अब हम इसकी पैंट पे, पैंट भी नहीं आई, हम इसको चड्डी बना दें, ट्राउजर शॉर्ट जो भी चाहे हम बना सकते हैं। अभी हम इसको ये वाली पैंट, ये टॉय शूज बना देते हैं, अभी इसका कलर कर देते हैं ये। अब अगर इनके शूज़ के, शूज़ भी पूरे नहीं आए, बहरहाल आप समझ जाएं, यही काफ़ी है मेरे लिए। हमने इसके शूज़ कर दिए ग्रीन। अब आ गए हम इसकी आवाज़ पे, ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इधर हर लैंग्वेज है, ये लैंग्वेजेस आ रही ऊपर, ARPG जो है ना, शॉर्ट फॉर्म है लैंग्वेज की। हमें चाहिए हिंदी, हिंदी के शुरू का वर्ड होता है HI, तो ये HI आ गया, ये HI पर हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हम इसकी आवाज़ सेट करते हैं, जैसे ये है, मैं कैसे आवाज़ लगाऊं, ये लड़की की आवाज़ है, मैं कैसे आवाज़ लगाऊं, ये लड़के की आवाज़ है, मैं कैसे आवाज लगाऊं, ये भी लड़की की आवाज है, ये अलग अलग जैसे, मैं कैसे आवाज लगाऊं, ये मैं कैसे आवाज लगाऊं। अब इसमें भी पतली मोटी आप कर सकते हो इस आवाज को। अब ये मैं कैसे आवाज लगाऊं कर दिए, मैं कैसे आवाज लगाऊं, मैं कैसे आवाज लगाऊं। अब हम इसको पतला भी कर सकते हैं आवाज को, मैं कैसे आवाज लग, मैं कैसे आवाज लगाऊं, ये सही है अभी फिलहाल, मैं कैसे आवाज लगाऊं, मैं कैसे आवाज लगाऊं। अब हम आ गए इसके नाम पे, अब नाम इसका जो चाहे लिख सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं टोनी। ये लास्ट ऑप्शन है, इसमें आप इसका कोई भी बैकग्राउंड, इसका कोई ऐसे इशू नहीं है, जो चाहे आप इसका पीछे का बैकग्राउंड है, ये आप नेम पे आके जो है ये आप यहाँ से डन कर देंगे। ये डन कर देंगे तो आपका करेक्टर हो गया क्रिएट, ये देखें टोनी के नाम से करेक्टर क्रिएट हो गया, ये हमने सेलेक्ट कर दिया टोनी आ रेस्टोरेंट में। अब हमें क्या करना है, अब हम आप एक सीन में दो करेक्टर ले सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं ले सकते। जब कोई पब्लिक प्लेस होगा तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा नो एक्स्ट्रा और विद एक्स्ट्राज, नो एक्स्ट्राज। और अगर पब्लिक प्लेस का सीन नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा आपके पास। इससे ये होगा कि ये जैसे ये विद एक्स्ट्राज कर दिया तो ये रेस्टोरेंट पे, ये अभी सेलेक्ट नहीं हो रहा नेट की वजह से, वायरल मैं अभी करता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ। अब हमें इसको पहले रेस्टोरेंट में जिस जगह पे बिठाना है ये वो ऑप्शन है। अब हम आ जाएं टेबल पे, लेफ्ट टेबल, ये लेफ्ट टेबल पे बैठ गया, राइट टेबल कर दिया, राइट चेयर पे बैठ गया टेबल की, रिसेप्शन पे पहुँचा दिया हमने इसको, मिडिल में बीच में खड़ा कर दिया, जहाँ चाहे आप इसको जैसे चाहे खड़ा कर सकते हैं। अभी हम इसको टेबल पे बिठा देते हैं, राउंड टेबल का है वो, राउंड टेबल तो बहुत दूर हो गए भाई। इधर बिठाते हैं इसको। अब हमें सीन क्रिएट करना है। अब हम इसको पहले तो जैसे कैमरा चलता है वीडियो पे, फोकस पे, सीन पे, ये वो ऑप्शन है जो कैमरा बना हुआ है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको जैसे कैमरे का रोटेशन करवानी है, जैसे हमने ये कर दिया, अब हम ये प्ले करेंगे ऊपर से तो ये कैमरा यूँ चलता हुआ आता हुआ दिखेगा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में, जब आप वीडियो ऑन करेंगे। अभी हमने ये कर दिया, अब हमें इससे डायलॉग बुलवाना है या कोई हर सीन करवाना है, कोई वो एक्शन करवाना है, कुछ करवाना है, तो हम ये मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले हम इससे बुलवाएंगे।
तो ये हमने मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम करेक्टर टोनी हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हमें इससे जो भी एक्शन करवाना है, जैसे मिसाल ये एक्शंस आ गए, जैसा आप इससे एक्शन करवाना चाहें वैसे आप करवा सकते हैं, जैसे डांस, ये वो, एंग्री, क्राइंग, प्राउड आ रहा है, पॉप अप आइज आ रहा है, थैंक यू, वेव्स, थम्स अप, ये आ गया, थ्रेड आ गया, वेव्स आ गया, जैसे हम वेव्स तभी सिलेक्ट करते हैं तो ये हाथ हिलाएगा जब ये बोलेगा। तो अब हम इधर इसका डायलॉग लिखते हैं। डायलॉग आप यहाँ से अपनी आवाज़ में, किसी की भी आवाज़ में रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, माइक जो बना हुआ है कैमरे के बराबर, और आप लिख भी सकते हैं। लिखेंगे तो जो आपने आवाज़ इसकी करेक्टर की सेलेक्ट करी है उस आवाज़ में ये बोलेगा। अब मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं, हेलो वेटर, हेलो वेटर, कम कम हेयर। अब हम जो ये माइक पे, हमने वो माइक पे बोल रहा हूँ सॉरी, इस पर हमने क्लिक किया, हमने इसकी स्क्रीन पे क्लिक किया, ये प्ले का ऑप्शन आ रहा है ऊपर स्क्रीन। हेलो वेटर कम हेयर, अभी इसने बोला हेलो वेटर कम हेयर। अब इसके साथ हम किसी को हमें बिठाना है तो दो करेक्टर आप एक वीडियो में सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक छोड़ा है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया, वरना आप दूसरा करेक्टर भी कर सकते हैं, उसको जहाँ चाहे ऐसे बिठा के जो उससे बुलवाना है, वो इन दोनों की आपस में बात करवानी, जैसा भी सीन का आपको क्रिएट करना है वो आप यहाँ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जैसा भी चाहें। अब ये कैमरा भी है, जैसे मैंने कैमरे का ये कर दिया है, डायलॉग अभी है, यहाँ से हमने शुरू किया स्टार्टिंग से, ये कैमरा हिला शुरू में, हेलो वेटर कम किया। सो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने, ऐसे बनता है एनिमेटेड कार्टून, जैसा भी आप चाहें जैसा भी। अब हम करते हैं इसको बैक, एक मिनट, एक ऑप्शन रह गया फ्रेंड, ये ऊपर आके हमने ये विद एक्स्ट्रा की, नो एक्स्ट्रा एंड विद एक्स्ट्राज लिखा हुआ है, ये हम विद एक्स्ट्रा करेंगे तो पब्लिक आ जाएगी पब्लिक प्लेस में, नो एक्स्ट्रा करेंगे तो कोई पब्लिक नहीं होगी। जो अभी आवाज़ आ रही थी ना जैसे बैकग्राउंड में, अब आवाज़ नहीं आई, अब समझ में आ रहा है। अब हम अगर विद एक्स्ट्रास करेंगे तो लोगों की आवाज़ आएगी, हेलो वेटर कम हियर, लोग भी होते हैं लेकिन अभी इसमें नहीं दिख रहे सीन में, बाकी कोई और सीन आप क्रिएट करेंगे तो उसमें लोग भी आपको पब्लिक बैठी हुई दिखेगी, आगे पीछे आपके आ जाएगी। और एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाई भी है दिखाने के लिए, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है वो वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी, आप लोगों को समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि एनिमेटेड कार्टून वीडियो कितना आसान है बनाना। इससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है प्ले स्टोर में जो एनिमेटेड कार्टून वीडियो आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अभी तक तो नहीं है सिवाय इसके। अब ये हम करते हैं, आपको वीडियो दिखाते हैं, पहले तो देख सकते हैं आप, मैंने ये सीन क्रिएट किया था, ये सब आ रहा है ऐसी, जैसे जैसे आप सीन बनाते रहेंगे ये मैसेज की तरह ये लिस्ट बढ़ती रहेगी, वो आपका सारा सीन होगा कैमरे के, डायलॉग्स के, जो भी आपको करवाना है एक्शन। अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आपको दिखाने के लिए, तो चलें वीडियो देखते हैं। सो मिस्टी मैम, अब समझ में आ गया आपको एनिमेटेड कार्टून वीडियो कैसे बनती है? जी जी बिल्कुल। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, टू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। Subscribe now Google Baba Technical and press the bell icon. Thank you so much. So friends, एक आप लोगों ने animated cartoon video, ये था animated cartoon video बनाने का सबसे आसान तरीका। इस सॉफ्टवेयर का नाम मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को, Plotagon Story, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप सर्च में जाएँ, लिखें Plotagon, आपके सामने आ जाएगा सर्च में ही। इससे अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, सबसे आसान तरीका इसमें है
आप जैसी चाहें अपनी एनिमेटेड कार्टून वीडियो बना सकते हैं और उसको पब्लिश भी कर सकते हैं। ना कोई कॉपीराइट का इशू आएगा, ना कोई साउंड का, ना कुछ किसी चीज़ का कोई इशू नहीं आएगा। आप जहाँ चाहे अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब का सबसे बड़ा इशू आता है कॉपीराइट का। ये वीडियो आप यहाँ से क्रिएट करें और यूट्यूब पे अपलोड करें, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।